हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी क्लास को एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको फायर आर्म के ऊपर पूरी थ्योरी और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अन अकेडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फायर आर्म इंजरी के अंदर मैं थ्योरी पार्ट और फिर इसके अंदर एमसीक्यूज और कुछ इमेजेस में करवाऊंगा। थोड़ा सा दोस्तों अन अकेडमी के बारे में बताता हूँ। अन अकेडमी में भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल क्लास के बारे में बताता हूँ। स्पेशल क्लासेस पूरी लाइव होती हैं। इन स्पेशल सीन से लाइव होती तो दोस्तों, आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप अपने नीट पीजी के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीन से लाइव क्लासेस हैं, तो आप जो है यहाँ पे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं आप अपने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। दोस्तों, प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ, तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है, तो दोस्तों ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो सिंस ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंटर्न्स का, तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे में हमारा अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप सुबह दोपहर शाम रात जब चाहे तब यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस, आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बाई चांस कोई लेक्चर आपसे मिस हो जाता है, लाइव क्लासेस कोई मिस हो जाती है, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप उसको ऑफलाइन भी, आप बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप दोस्तों डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एजुकेटर साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे ऐप में, और आपको जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको क्लिक करना रहेगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने उसका करेक्ट आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके अलावा ये है दोस्तों कि आप घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ के साथ आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करें एजुकेटर के सामने। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीचर है ये कि आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा और जो उसका जो रिजल्ट होगा तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि लर्न एनी टाइम एनी वेयर। तो दोस्तों, आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। तो दोस्तों, अगर इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो ये है आपकी स्क्रीन के सामने। लेकिन दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों कि अगर आप 1 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 months का लेते हैं तो दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 months का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। 12 months का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों, अगर आप 24 months का लेते हैं, यानी कि 2 साल का लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर देने से ये आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30000 रुपीज़, लेकिन मेरा कोड अप्लाई कर देने से ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करवाऊँ
तो दोस्तों 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये भी बन जाता है टोटल 27,000 रुपीज़। तो इसका ये है दोस्तों कि आपको एक तरीके से पे करना है 1 मंथ के लिए एक्स्ट्रा, और आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे 24 मंथ्स के लिए, यानी कि पे करिए 13 मंथ्स के लिए लेकिन बेनिफिट उठाइए पूरे 2 साल के लिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है ये दोस्तों कि आपको जो है 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म प्लान आपको मिलता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर को हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर को हो, या फिर दोस्तों अगर आप इंटर्न भी हैं तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम जैसे अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है तो 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है, तो दोस्तों काफ़ी सारा टाइम उसमें निकल जाता है। तो लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा ज़्यादा मंथ का, तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे कि आप आपका जो ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर एडिशनल, आप उसके अंदर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रख पाएंगे। या अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो दोस्तों उसके लिए भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से, उसकी आप जो है नॉलेज अच्छे से गेन कर ले जाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे को यही लगता है कि दोस्तों आप जब कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो तब तक आपके पास अपने ड्रीम सब्जेक्ट की एकदम फुल नॉलेज आपके पास होगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप दोस्तों इस पेंडेमिक के टाइम में भी आप जो है अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं, कंप्लीट कवरेज मिलता है, इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने, तो बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की डाउट आती है तो आप दोस्तों ऐप के अंदर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता है, वहाँ पे लाइव क्लासेस ही रहती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, अपने अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आना जरूरी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो दोस्तों लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेंसिक का मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा देता हूँ, इंट्रोडक्शन। तो फादर ऑफ बैलिस्टिक्स कौन थे? केल्विन गॉडार्ड, ये थे इनके फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। फॉरेंसिक बैलिस्टिक क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फायर आर्म एमिनेशन एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द यूज। तो दोस्तों जो ये है इसकी डेफिनेशन कि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करना फायर आर्म का, एमिनेशन का, या फिर उससे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्टडी इन्वेस्टिगेशन करना, तो उसी यही दोस्तों फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की डेफिनेशन है। इट इज़ अ साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फायर आर्म एमिनेशन एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द यूज। अब दोस्तों इसको नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक्स और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स और टर्मिनल बैलिस्टिक्स। तो दोस्तों इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बैलिस्टिक्स को। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल यानी कि प्रॉक्सिमल बैलिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द वेपन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो है बंदूक है दोस्तों, तो दोस्तों गोली के निकलने से पहले तक तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, इंटरनल बैलिस्टिक्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमल या फिर इंटरनल बैलिस्टिक्स। इंटरमीडिएट या फिर एक्सटीरियर बैलिस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर इट लीव्स द गन बैरल टिल द टाइम इट हिट्स द टारगेट। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब गोली बाहर निकलेगी, वहाँ से लेके जब इंसान को लगने से पहले तक, इसको दोस्तों बोलते हैं इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से लेके इसको लगने के बीच का टाइम, इसको दोस्तों बोलेंगे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स। और दोस्तों टर्मिनल बैलिस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मिसाइल वंस दे पेनिट्रेट देयर टारगेट। तो दोस्तों जब इस पर्सन के अंदर गोली लग जाएगी तो इतने पोर्शन को दोस्तों बोलेंगे, इस पोर्शन को दोस्तों बोलेंगे टर्मिनल बैलिस्टिक्स। वुंड बैलिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मिसाइल ऑन लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू के ऊपर की जो स्टडीज होंगी मिसाइल्स की, उसको वुंड बैलिस्टिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों फायर आर्म को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बैरल, बैरल के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं।
द फायर आर्म इज क्लासिफाइड इंटू राइफल वेपन या फिर स्मूथ बोर वेपन। फायर आर्म फायर राइफल वेपन्स के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों? राइफल, पिस्तौल और रिवॉल्वर। स्मूथ बोर बैरल के अंदर क्या आते हैं दोस्तों? शॉर्ट गन्स। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इमेजेस जब मैं करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, मैंने इमेजेस इन सब की रखी हुई है। अच्छा, तो कंडीशन ऑफ द बोर क्या होता है दोस्तों? राइफल फायर आर्म के अंदर क्या होता है? इन राइफल फायर आर्म दीज देयर आर ग्रूव्स एंड लेंस स्पाइरली प्रेजेंट इन द बोर। तो दोस्तों एलिवेशन और डिप्रेशन देखे जाते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो दोस्तों लैंड और ग्रूव्स होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों जो ये डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन आ रहा है दोस्तों इसको बोलेंगे जो है ग्रूव्स, और ये जो एलिवेटेड एरिया आ रहा है ये इसको बोलेंगे दोस्तों लैंड। और दोस्तों ये स्पायरल ही पूरे बैरल के अंदर रहती हैं जिससे बुलेट को स्पिनिंग इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी तेज होती है। वेलोसिटी तेज होगी दोस्तों तो उसकी अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी दोस्तों तो वो ज़्यादा घातक साबित होगी। स्मूथ बोर के अंदर क्या होगा दोस्तों? जो अंदर की जो बैरल है वो पूरी स्मूथ रहेगी, अंदर कुछ भी लैंड और ग्रूव नहीं रहते हैं। कैलिबर दोस्तों क्या होता है? दो लैंड के बीच की दूरी। तो यानी कि दोस्तों अगर मैं ये चीज़ करूँ तो दो लैंड के बीच की जो दूरी होती है इसको दोस्तों कैलिबर बोला जाता है। कैलिबर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट लैंड्स। तो दोस्तों इसको कैलिबर बोला जाता है। और स्मूथ बोर के अंदर क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ द बोर ही कैलिबर कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर लैंड और ग्रूव्स तो है नहीं कुछ। तो जो अंदर की जो गोली होगी, अंदर के जो डायमीटर होगा वही उसका कैलिबर होगा। प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कैसा रहेगा दोस्तों? द प्रोजेक्टाइल इन द कार्टेज ऑफ राइफल वेपन इज बुलेट। यहाँ पे दोस्तों गोली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों? प्रोजेक्टाइल इन द कार्टेज ऑफ द शॉटगन आर पैलेट। तो दोस्तों छोटे छर्रे होते हैं वो पैलेट्स होते हैं। राइफलिंग क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे राइफलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। द इनर पोर्शन ऑफ द बैरल इन राइफल आर्म हैज ग्रूव्स एंड लैंड प्रेजेंट स्पाइरली कॉल्ड द राइफलिंग। तो दोस्तों इसको राइफलिंग बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है मैं सारी इमेजेस मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एडवांटेज ऑफ द राइफलिंग क्या होगी दोस्तों? हम राइफलिंग क्यों करते हैं? स्पिन और रोटेशन ऑफ द बुलेट ये मिलता है हमें। इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रेंज ये मिलता है दोस्तों। चेक्स वॉबलिंग यानी कि दोस्तों स्टेबल रहेगी दोस्तों, हिलेगी ढुलेगी नहीं। गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी मिलती है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है स्पिन करते जाती है, गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी मिलती है उसको, ऐसे वॉबल करते हुए दोस्तों नहीं जाएगी। एनहांस वुंड पावर। तो दोस्तों सिंस मैंने जैसे आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो दोस्तों सिंस स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी दोस्तों तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दोस्तों वो ज़्यादा घातक साबित होगी। एनहांस वुंड पावर। कैलिबर या फिर गार्ड इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इन राइफल वेपन इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट लैंड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राइफल फायर आर्म होती है उसके अंदर लैंड और ग्रूव्स पाए जाते हैं, उसके अंदर लैंड और ग्रूव पाए जाते हैं, और जो दो अपोजिट लैंड की जो डिस्टेंस होती है उसी को ही जो दोस्तों कैलिबर का नाम दिया जाता है। तो ये हो गए लैंड और ये होता है ग्रूव। इन स्मूथ बोर वेपन इट इज़ द नंबर ऑफ द पैलेट्स ऑफ द इक्वल साइज एंड वेट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 454 ग्राम यानी कि एक पाउंड ऑफ लेड दैट फिट्स द बोर ऑफ द बैरल। तो दोस्तों रेंज की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अब डिफरेंट रेंज ऑफ द फायर आर्म। तो दोस्तों रेंज की बात करते हैं शॉर्ट गन की, यानी कि स्मूथ बोर फायर आर्म की जो रेंज होती है वो कम होती है, वो 50 यार्ड तक की इसकी रेंज होती है। राइफल की दोस्तों कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, 1000 से लेके 3000 यार्ड्स तक होती है। पिस्तौल क्या होगी दोस्तों? उसकी 400 यार्ड तक होगी। रिवॉल्वर कैसे होगी दोस्तों? 200 वॉल्ट तक। और एयर गन 40 यार्ड्स तक होती है। तो दोस्तों इन सब की भी मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, आखिरी में मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। चोकिंग क्या होगा दोस्तों?
द मजल एंड ऑफ द शॉट गन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड टू लेसन द रेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ शॉट आफ्टर इट लीव्स द मजल एंड ऑल्सो इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पैलेट। तो दोस्तों क्या होता है, जो ये हो गई दोस्तों बंदूक, तो दोस्तों आखिरी का जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा टेम्पर्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा दोस्तों जो पैलेट्स होंगे वो बिखरते नहीं हैं। द रेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द शॉट आफ्टर इट लीव्स द मजल एंड ऑल्सो द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पैलेट, तो दोस्तों इस स्प्रेड होने से बचाता है। पैराडॉक्स गन क्या होगा दोस्तों, इट इज द शॉट गन इन विच द पार्ट ऑफ द बैरल टुवर्ड्स द मजल एंड इज राइफल्ड। तो दोस्तों जो क्या कहते हैं टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड जो होता है दोस्तों वो जो है राइफल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये अगर बैरल है आखिरी में ही, आखिरी के इतने पोर्शन में ही लैंड ऑफ ग्रूव बना दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेपन यूज कंप्रेस्ड एयर टू फायर प्रोजेक्टाइल्स। एयर राइफल की अब हम बात कर रहे हैं, कंप्रेस एयर का यूज किया जाता है इसके अंदर। हैंस बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग आर एब्सेंट एज नो गन पाउडर इज यूज। तो दोस्तों सिंस इसके अंदर गन पाउडर तो जल नहीं रहा है, सिर्फ एक कंप्रेस एयर का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसके अंदर ब्लैकनिंग टैटूइंग सिंजिंग ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। एब्रेशन कॉलर में भी प्रेजेंट एट द एंट्री रूम, लेकिन एब्रेशन कॉलर पाया जा सकता है। कंट्री मेड फायर आर्म, ये क्या होगा दोस्तों, यूजली स्मूथ बोर कॉमन इन इंडिया, 12 बोर कैलिबर इज द कॉमनेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों कार्ट्रिज की बात करते हैं। कार्ट्रिज क्या होगा, इट इज अ सिंगल यूनिट केस लोडेड विद इन द फायर आर्म कंप्राइजिंग ऑफ प्राइमर प्रोपेलेंट, जिसको गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रोजेक्टाइल। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस होता है, एक आप गोली समझ लीजिए, गोली के ऊपर तो होता है उसकी प्रोजेक्टाइल, बीच में होते हैं उसके गन पाउडर, और सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वहाँ पर होता है प्राइमर। तो एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। तो प्राइमर क्या होता है दोस्तों, इट डेटोनेट्स एंड इग्नाइट्स द गन पाउडर। प्राइमर कंटेन कंपाउंड्स ऑफ लेड, यानी कि लेड परऑक्साइड एंड लेड स्टेफनेट, एंटीमनी सल्फाइड, बेरियम एंड टेट्रासीन। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आप ये निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, वो निमोनिक है ब्लास्ट, या आप निमोनिक यूज़ कर सकते हैं वो है ब्लास्ट। तो बी से हो गया बेरियम नाइट्रेट, एल से हो गया लेड स्टेफनेट, ए से हो गया एंटीमनी, एस से हो गया सल्फाइड, और टी से हो गया टेट्रासीन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि प्राइमर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और प्राइमर का मेन काम क्या होता है, टू इग्नाइट्स द गन पाउडर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं गन पाउडर की। गन पाउडर दोस्तों क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, ब्लैक गन पाउडर और स्मोकलेस गन पाउडर। ब्लैक गन पाउडर के अंदर जो कंपोजिशन होता है उसको आप याद कर सकते हैं PCS से, जो कंपोजिशन है उसको आप निमोनिक ले सकते हैं, निमोनिक है PCS। पी से हो गया दोस्तों पोटेशियम, सी से हो गया चारकोल सल्फर, और के से हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। पी सी और एस, तो दोस्तों ये हो गया पी चारकोल और ये हो गया एस। तो दोस्तों एक एक करके जानते हैं, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, 75% होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, सल्फर होता है 10%, ये फ्यूल की तरह काम करता है, और चारकोल जो होगा दोस्तों 15% होता है, ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। द प्रिंसिपल रेसिड्यू फॉर्म आफ्टर बर्निंग द ब्लैक पाउडर आर पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसको जो है FG, FFG और FFG ऐसे करके जो है हम क्लासिफाई करते हैं। जितना ज़्यादा F होगा जाता उतना ही ज़्यादा दोस्तों फाइन ग्रेन उसके अंदर पाए जाएंगे, और जितना ज़्यादा फाइन ग्रेन होता है दोस्तों उतनी ही जल्दी वो जलता है। तो मोर द नंबर ऑफ F, फाइनर द ग्रेन्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्मोकलेस पाउडर की। स्मोकलेस पाउडर क्या होगा दोस्तों, कंटेन नाइट्रोसेलुलोज, यानी कि सिंगल बेस नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन, ये होगा दोस्तों डबल बेस।
नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोग्वानिडीन, ये होगा दोस्तों ट्रिपल बेस। तो दोस्तों ये होगा स्मोकलेस गन पाउडर का कि किस किस चीज़ से बनना होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों नाइट्रोफॉर्मिस सेमी स्मोकलेस। तो हमने देख लिया दोस्तों जिसमें स्मोक आता है, एक हमने देख लिया जिसमें स्मोकलेस होता है, एक हम देखते हैं सेमी स्मोकलेस विच कंटेन 80% ब्लैक एंड 20% स्मोकलेस पाउडर। तो दोस्तों इन दोनों के कंपोजिशन से दोस्तों जो है सेमी स्मोकलेस गन पाउडर बनता है। डिटेक्शन ऑफ गन पाउडर रेसिड्यू आर डन बाई, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि किससे हम पता कर सकते हैं। ये है दोस्तों पैराफिन टेस्ट, हैरिसन एंड गिलरॉय टेस्ट, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। हम इन सब चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गन पाउडर रेसिड्यू को। तो डिटेक्शन ऑफ द गन पाउडर रेसिड्यू आर डन बाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेक्शन ऑफ गन पाउडर रेसिड्यू। तो ये है हमारा इस टेबल का टॉपिक। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी निमोनिक है, यहाँ पे मैं निमोनिक लिख देता हूँ। निमोनिक है दोस्तों हैंड्स, ठीक है, आप इसको हैंड्स कर दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी बताता हूँ कैसे। एच से हो गया हैरिसन गिलरॉय टेस्ट, ए से हो गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एन से हो गया दोस्तों न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, डी से हो गया दोस्तों डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, जिसको अभी अभी हमने देखा पैराफिन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं पैराफिन टेस्ट, और दोस्तों एस से हो गया, एस से दोस्तों हो गया सेमडेक्सा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस। तो दोस्तों ये हो गया एस से सेमिडेक्सा, ये हो गया सेमिडेक्सा। इट इज अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेस्ट विच डिटेक्ट माइनस ट्रेस ऑफ जीएसआर, इट इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो दोस्तों ये एक निमोनिक हो गया हैंड्स। तो ये दोस्तों किसके लिए निमोनिक है, डिटेक्शन ऑफ द गन पाउडर रेसिड्यू। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। प्रोजेक्टाइल क्या होगा दोस्तों, मेड अप ऑफ पैलेट या फिर बुलेट। पैलेट क्या होंगे दोस्तों, सॉफ्ट मेड अप ऑफ लेड, हार्ड होंगे अगर लेड विद एंटीमनी और या फिर स्टील शॉट, तो इन सब के पैलेट होते हैं। बुलेट क्या होंगे दोस्तों, हॉलो पॉइंट, राउंड नोज, वॉड कटर, फुल मेटल जैकेटेड एंड सेमी जैकेटेड। तो दोस्तों ये हैं इसके और टाइप। द एक्सटेंट ऑफ मसल डैमेज बाय बुलेट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑफ द वेलोसिटी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और दोस्तों जितना ज़्यादा काइनेटिक होगी उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर मानी जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ द मसल्स डैमेज बाई अ बुलेट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द वेलोसिटी, सो डिस्ट्रक्शन कॉज बाय बुलेट इज मोर डिपेंड ऑन द वेलोसिटी देन मास। तो दोस्तों वेट से भी ज़्यादा वेलोसिटी डिपेंड के ऊपर डिपेंड करता है। लार्ज राउंड बुलेट कॉज ग्रेटर डैमेज टू द बॉडी, अ बुलेट इज पिक्ड अप विद हैंड। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुलेट को जब भी क्राइम सीन से हम पिक करेंगे हमेशा उसको हैंड से पिकअप करना रहेगा, ताकि उसके ऊपर कोई आर्टिफैक्ट ना लग जाए, टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट ऑन बुलेट्स। ये दोस्तों उसको अच्छे से कर देता हूँ ताकि देखने में उतना अजीब ना लगे। तो दोस्तों आर्टिफैक्ट से बचने के लिए ही हम जो है बुलेट्स को हैंड से पिक करते हैं। स्पेशल बुलेट्स, अब कुछ स्पेशल बुलेट्स की बात करते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं डमडम बुलेट। डमडम बुलेट क्या होगा दोस्तों, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग बुलेट, हुज नोज इज नॉट जैकेटेड, इट एक्सपेंड ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट कॉजिंग मैक्सिमम एक्सटर्नल डैमेज। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए ये बुलेट है, ये दोस्तों बुलेट है, ये जब स्ट्राइक करेगी दोस्तों तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, ताकि बड़ा होल बनाते हुए अंदर डैमेज करिए। फ्रेंगिबल बुलेट्स क्या होंगे दोस्तों, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स ऑन द इम्पैक्ट, मेड अप ऑफ आयरन कॉपर एंड लेड। इंसेंडरी बुलेट्स क्या होंगी दोस्तों, कंटेन्स एक्सप्लोजिव मटीरियल लाइक फॉस्फोरस एट द फ्रंट एंड एंड कॉज फायर एट द टारगेट, यूएसजी एंड द माइक्रोवेव डायग्नोसिस टेक्निक शुड बी अवॉइड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द बुलेट।
ट्रेसर बुलेट क्या हो गया दोस्तों? ट्रेसर बुलेट होते हैं लीव्स अ विजिबल मार्क और ट्रेस वाइल इन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्लास्टिक बुलेट्स या फिर बैटन्स राउंड क्या होंगे दोस्तों? ये पीवीसी यानी कि प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि दंगा हम लोग कंट्रोल कर सकें, पुलिस वाले दंगा कंट्रोल कर सकें। मेड अप ऑफ पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी रबर के बने होते हैं, यूज फॉर राइट कंट्रोल, यानी कि प्लास्टिक के ये बने होते हैं ताकि चोट तो लगे लेकिन इतनी भी चोट ना लगे ताकि वो घातक हो जाए, तो दंगा कंट्रोल करने के लिए ही ये होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सोवेनियर बुलेट की। व्हेन द बुलेट रिमेन्स इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सराउंडेड बाय फाइब्रोसिस इट कॉज क्रोनिक लेड पॉइजनिंग। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए बुलेट बॉडी के अंदर ही रह जाती है और उसको निकाला नहीं जाता है तो उससे क्या होगा दोस्तों, उस बुलेट के इर्द गिर्द फाइब्रोसिस हो जाएगी जिसकी वजह से क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर लंबे टाइम तक बुलेट को बाहर ना निकाला जाए तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टैंडम बुलेट की, जिसको पिगी बैंक बुलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा दोस्तों, दिस बुलेट इज पुश्ड बाई अनदर बुलेट यानी कि पिगी बैंक बुलेट, सो टू बुलेट आर कमिंग आउट फ्रॉम द मजल एंड इन वन शॉट इट इज सीन इन ओल्ड अनयूज गन और फॉल्टी एमिनेशन। तो दोस्तों क्या होगा अगर मान लीजिए ये एक बंदूक है और दोस्तों किसी वजह से फॉल्टी एमिनेशन की वजह से एक गोली बाहर नहीं निकल पाई, तो दोस्तों जब हम दोबारा फायर करेंगे तो दोस्तों इसके पीछे वाली जो बुलेट होगी तो वो और पहले वाली बुलेट दोनों साथ के साथ बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है पिगी बैंक बुलेट या फिर टैंडम बुलेट। इन टैंडम बुलेट टू बुलेट्स आर प्रेजेंट इन सेम कार्ट्रिज विच एंटर्स द टारगेट एट डिफरेंट पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रिकोशेट बुलेट की। रिकोशेट बुलेट क्या होता है, बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट एम डेट स्ट्राइक सम इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन हिट्स द टारगेट, बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग एंड एब्रेशन कॉलर आर एबसेंट। तो दोस्तों इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें एबसेंट रहेंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ से टकरा के आ रही है। सपोज करिए कि ये एक राउंडेड ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मतलब गोली आई है तो पहले यहाँ टकराई फिर यहाँ टकराई उसके बाद ये बाहर को निकली, तो दोस्तों ये हो गया रिकोशेट बुलेट। रिवॉल्वर्स नेवर इजेक्ट कार्ट्रेज ऑन द फायरिंग, द रिमेनिंग थ्री कार्ट्रेजेस यानी कि पिस्टल की कार्ट्रेज, शॉटगन की कार्ट्रेज और राइफल्स की कार्ट्रेज ऑल इंक्लूड सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक वर्जन विच इजेक्ट कार्ट्रेज ऑन फायरिंग। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ गन। तो दोस्तों डिस्चार्ज जब गन को जब फायर किया जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ें डिस्चार्ज होती है, क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर, तो फायर आर्म इंजरी और ये कॉज बाय। तो दोस्तों टैटूइंग ऑफ इंटरमीडिएट रेंज फायर आर्म इंजरी, इससे क्या होगा दोस्तों अनबर्न गन पाउडर की वजह से ये टैटूइंग होती है और ये दोस्तों ये जो है पानी से साफ भी नहीं होगी। ब्लैकनिंग किसकी वजह से होगी दोस्तों, स्मोक की वजह से ब्लैकनिंग होती है, लेकिन अगर दोस्तों इसे किसी गीले कपड़े से या किसी से इसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये साफ हो जाएगा आसानी से। बर्निंग और सिंजिंग ऑफ हेयर, ये दोस्तों फ्लेम की वजह से होता है। तो दोस्तों ये सारी इमेजेस मैंने बाद में रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इमेजेस के द्वारा भी समझा दूंगा जब इमेज मैं करवाऊंगा तब। तो दोस्तों ये एक टेबल है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस रेंज तक पिस्टल और रिवॉल्वर के अंदर बर्निंग और सिंजिंग देखी जाएगी, कितने में जो है ब्लैकिंग देखी जाएगी और कितने में टैटूइंग देखी जाएगी। तो ये पूरा कॉलम है पिस्टल और रिवॉल्वर का, ये पूरा है राइफल का और ये है शॉटगन का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि बुलेट को हैंड से पिकअप करना चाहिए, क्यों? बुलेट इज पिकअप विद हैंड बिकॉज फायर्ड बुलेट हैज, तो दोस्तों दो जब जो बुलेट जो फायर कर दी जाती है उसके अंदर दो टाइप की मार्किंग आती है, एक होती है प्राइमरी मार्किंग होती है सेकेंडरी मार्किंग। प्राइमरी मार्किंग क्या होगा दोस्तों, क्लास करेक्टरिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गन। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसी का आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से ये होता है।
सेकेंडरी मार्किंग क्या होगा दोस्तों, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ अ फायर आर्म, दे आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर गन, दे माइट गेट अल्टर बाई यूजिंग मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट लाइक फोर्सेप फॉर पिकिंग बुलेट। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हैंड से ही उठाने चाहिए ताकि इसकी जो मार्किंग है वो ना मिट जाए। इसलिए पिकअप विद फिक्स्ड अप विद हैंड। तो दोस्तों इसलिए हाथों से पिकअप करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वुंड ऑफ राइफल फायरआर्म। वुंड ऑफ राइफल फायरआर्म की अब हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों ये है दोस्तों बुलेट, और दोस्तों मान लीजिए इसको एकदम कांटेक्ट करके रखा हुआ है, ये मान लीजिए स्कल है, दुखी है, टच करके रखा हुआ है कांटेक्ट, तो क्या होगा दोस्तों, मेजल इंप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। क्लोज कांटेक्ट, नियर रेंज और डिस्टेंट रेंज, इन सब में मजल का इंप्रेशन नहीं होगा दोस्तों। जो भी वेपन होते हैं उसका ये वाला पार्ट होता है मजल एंड। अच्छा नेक्स्ट देते हैं दोस्तों वुंड शेप ऑफ द वुंड। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कॉन्टेक्ट शॉट रहेगा और फायर किया गया है, तो जो वुंड जो होगा वो उसका शेप कैसा रहेगा दोस्तों, वो रहता है स्टेलेट या फिर क्रूशिएट शेप, शॉटगन के अंदर सर्कुलर, नियर रेंज के अंदर भी सर्कुलर, डिस्टेंट रेंज के अंदर भी सर्कुलर, अराउंड स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट। बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग, तो दोस्तों ये कॉन्टेक्ट के अंदर अलॉन्ग द ट्रैक, यहाँ पे दोस्तों क्लोज शॉट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, नियर शॉट के अंदर सिर्फ टैटूइंग प्रेजेंट रहेगा और कुछ नहीं, और डिस्टेंट शॉट के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। एब्रेशन कॉलर और ग्रीस कॉलर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कॉन्टेक्ट शॉट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्लोज शॉट के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, नियर शॉट के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा और डिस्टेंस शॉट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों एब्रेशन कॉलर उसके स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से बनता है, और ग्रीस कॉलर जो इसके अंदर जो लुब्रिकेशन यूज की गई है, यहाँ बैरल के अंदर जो लुब्रिकेशन यूज करने के लिए जो ग्रीस वगैरह यूज की गई है दोस्तों, वो चीज बुलेट के अंदर चिपक जाती है, और वो चीज जब वुंड के अंदर जाएगा जो वुंड कॉज करता है उसके अंदर हमें ग्रीस कॉलर और एब्रेशन कॉलर मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वुंड ऑफ स्मूथ बोर और शॉटगन। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि वुंड शॉटगन यानी कि जो स्मूथ बोर फायर आर्म होता है उसके अंदर कैसा रहेगा, तो अपीयरेंस शॉटगन के अंदर सिंगल स्टैलेट और क्रूशिएट शेप वुंड, क्लोज रेंज के अंदर दोस्तों 1 मीटर से कम की अगर रेंज है तो हमें सिंगल सर्कुलर एंट्रेंस वुंड दिखाई देगा, मान लीजिए 1 से 2 मीटर की अगर रेंज है उसको नियर रेंज बोला जाता है, सिंगल एंट्रेंस वुंड विद इरेगुलर मार्जिन्स जिसको रैट होल अपीयरेंस के नाम से भी हम जानते हैं। इंटरमीडिएट रेंज की अगर हम बात करें तो सेंट्रल होल सराउंडेड बाय इंडिविजुअल पैलेट होल, स्टार्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द पैलेट या फिर स्टेलाइट लीजन, अगर मान लीजिए 4 मीटर से ज़्यादा है तो उसको डिस्टेंट रेंज बोलेंगे, ओनली इंडिविजुअल पैलेट होल ड्यू टू कंप्लीट डिस्पर्जन, तो दोस्तों डिस्पर्जन होने की वजह से जो है एक सिंगल पैलेट का ही होल हमें देखने को मिल सकता है। मजल इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ कॉन्टेक्ट शॉट के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, बाकी किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक बंदूक है तो उसका जो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों इसी को बोला जाता है मजल, इसी को दोस्तों बोला जाता है मजल, तो दोस्तों ये चीज जब कहीं पर टच होगी तो वहीं पर ही उसका इंप्रेशन बनेगा। ब्लैकनिंग टैटूइंग और बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग, ये दोस्तों अलोंग द ट्रैक क्लोज रेंज के अंदर हो सकता है, प्रेजेंट रहेगा हमेशा, नियर रेंज के अंदर सिर्फ टैटूइंग प्रेजेंट रहेगा, इंटरमीडिएट रेंज के अंदर नहीं, डिस्टेंट रेंज के अंदर नहीं। गन शॉट वुंड ऑन स्कल, अगर मान लीजिए स्कल के ऊपर गन शॉट वुंड हुआ है तो क्या होगा, व्हेन अ बुलेट एंटर द स्कल मेकिंग अ क्लियर कट पंच्ड आउट होल इन द आउटर टेबल एंड बिवेलिंग इन द इनर टेबल, बिवेलिंग इन द इनर टेबल इज इंडिकेटिव ऑफ द एंट्री वुंड व्हाइल बिवेलिंग ऑफ द आउटर टेबल इज सीन इन द एग्जिट वुंड। तो दोस्तों हालांकि मैं आगे उसको इमेज से भी डिस्क्राइब कर दूंगा मैं, तो तब तक के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ क्या होगा दोस्तों, ये मान लीजिए स्कल है, स्कल आप जानते हैं इनर टेबल और आउटर टेबल से बना होता है, ये हो गए दोस्तों इसकी आउटर टेबल
और दोस्तों ये होगी इसकी इनर टेबल। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ से बुलेट आ रही है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये ऐसे करके बिवेलिंग पॉज करता है, इसी को दोस्तों बुलाते हैं बिवेलिंग। और जब ये दोस्तों बाहर निकलेगी बुलेट, ये दोस्तों जब बुलेट बाहर निकलेगी तो फिर से ये ऐसे बिवेलिंग पॉज करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आउटर टेबल में बिवेलिंग कब हुई, जब वो एग्जिट करी, तो बिवेलिंग ऑन द आउटर टेबल इज सीन इन एग्जिट वुंड। तो दोस्तों बिवेलिंग का मतलब होता है ये जो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया हो गया, इसको बिवेलिंग बुलाता है। और दोस्तों इनर टेबल पे बिवेलिंग कब हुई, ये दोस्तों है इनर टेबल, ये है दोस्तों इनर टेबल। इनर टेबल पे बिवेलिंग कब हुई दोस्तों, एंट्री वुंड पे, तो ये चीज ध्यान रखना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एब्रेडेड कॉलर, क्या होगा दोस्तों, अ रिम ऑफ रेडिश ब्राउन कलर एब्रेडेड एपिडर्मिस सराउंडिंग द एंट्रेंस वुंड ऑफ ए राइफल फायर आर्म, इट इज ड्यू टू द गैरेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बुलेट, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंट्री ऑफ द बुलेट। तो दोस्तों जो स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है उसका, उसकी वजह से दोस्तों एब्रेशन प्रोड्यूस होता है एंट्री के टाइम पे, एंट्री वुंड पे। तो दोस्तों इसी को एब्रेशन एब्रेडेड कॉलर बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ग्रीस कॉलर या फिर डर्ट कॉलर, इमीडिएटली सराउंडिंग द एंट्रेंस वुंड अ ब्लैक या फिर ग्रे कलर रिंग इज प्रेजेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लुब्रिकेंट फ्रॉम द बुलेट, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एंट्रेंस वुंड एंड एब्रेशन कॉलर, इट इज मोर प्रोमिनेंट इन क्लोदिंग कॉल्ड बुलेट वाइप। तो दोस्तों क्या होता है कि अंदर लुब्रिकेशन के लिए जो बैरल होती है दोस्तों, तो दोस्तों जो बैरल होती है इसके अंदर लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है ताकि टैंडम बुलेट जैसी घटनाएं ना हो, तो लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है। तो वही दोस्तों लुब्रिकेंट का जो चीज़ है वो बुलेट के ऊपर स्टिक कर जाता है। डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट वुंड, तो दोस्तों डिफरेंस देखते हैं एंट्री और एग्जिट वुंड की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एंट्री और एग्जिट वुंड की, साइज कैसा रहेगा स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट, एग्जिट के अंदर कैसा रहेगा लार्जर, मार्जिन की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो एंट्री वुंड के अंदर इन्वर्टेड रहेगा, एग्जिट वुंड के अंदर इन्वर्टेड रहेगा। एब्रेशन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर सिर्फ एंट्री वुंड के अंदर पाया जाता है, एग्जिट वुंड के अंदर पाया नहीं जाता है। बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग, ये दोस्तों एंट्री वुंड के अंदर ही पाया जाएगा, एग्जिट वुंड के अंदर पाया नहीं जाएगा। ब्लीडिंग दोस्तों एंट्री वुंड के अंदर कम होती है लेकिन एग्जिट वुंड के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग पाई जाती है। चेरी रेड कलर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दोस्तों जो फ्लेम वगैरह होती हैं उन सब के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, तो एंट्री वुंड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है लेकिन एग्जिट वुंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। फैट एंड सॉफ्ट टिश्यू एक्सपल्शन, एंट्री वुंड के अंदर तो नहीं होता लेकिन एग्जिट वुंड के अंदर अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह हैं वो सारी बाहर आने के चांसेस होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज इन शॉटगन, तो दोस्तों अगर हम रेंज को डिटरमाइन करें शॉटगन की, तो रेंज इन सिलेंडर बोर गन यार्ड्स में अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ पैलेट इन इंचेस इनटू 1.5, रेंज इन फुल चोक गन यार्ड्स में अगर हम बात करें डिस्पर्जन ऑफ पैलेट इन इंचेस इज इनटू 3/4, तो चोकिंग और इसकी यहाँ पे डिस्पर्जन की बात की गई है। कैंडी फिनोमिनन क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू सर्जिकल अल्ट्रेशन इवेल्यूशन ऑफ द वुंड आर एंट्री और एग्जिट वुंड बिकम्स डिफिकल्ट, तो दोस्तों सर्जरी अगर हम करते हैं तो सर्जरी के दौरान जो एंट्री और एग्जिट वुंड है वो थोड़े से ऑल्टर कर जाते हैं, इसी को दोस्तों कैनेडी फिनोमिनन बोला जाता है। तो जे एफ कैनेडी जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनको गोली मार के हत्या की गई थी, तो वहीं पे ही ये कैनेडी फिनोमिना टर्मिनोलॉजी में आया है। पपेज रूल क्या होता है दोस्तों, इट डिटरमाइंस विद डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ द बुलेट टू हिट द स्कल, तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई स्कल है, ये मान लीजिए दोस्तों ऐसा स्कल है और मान लीजिए यहाँ पे गोली मारी गई तो इससे एक दरार बनेगी दोस्तों, अगर दोबारा अगर हिट किया गया है तो ये दरार कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए तीसरी बार फिर से करा गया तो फिर से इसकी दरार इसको क्रॉस नहीं करेगी, तो दोस्तों इन सब चीज़ से हम पता कर सकते हैं सिक्वेंसिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फायर किया गया, फिर ये फायर किया गया, फिर ये फायर किया गया।
हेलिक्सोमीटर क्या होता है, इज यूज टू एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ द बैरल। तो बैरल के अंदर के इंटीरियर को एग्जामिन करने के लिए हेलिक्सोमीटर का यूज़ किया जाता है। मरकरी फल्मिनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमर। तो दोस्तों जैसे प्राइमर के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लास्ट मैंने आपको बताया था, बेरियम, लेड, एंटीमनी, सल्फाइड और टेट्राजीन। गायरोजेट क्या होता है दोस्तों, गायरोजेट कार्ट्रिज इज एक स्मॉल रॉकेट रेदर देन बुलेट। ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग ऑफ द स्किन एंड क्लोथ कैन बेस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इंफ्रारेड फोटोग्राफी। अदर फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड फोटोग्राफी इज बाइट मार्क एग्जामिनेशन, ब्लड स्टेन पैटर्न एग्जामिनेशन, डिटेक्शन स्टेन ऑन द क्लोथ। तो दोस्तों इंफ्रारेड फोटोग्राफी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम इन सब चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल पैलेट्स डिफ्लेक्टिंग विद ईच अदर, इसी को दोस्तों बोला जाता है बिलियर्ड बॉल इफेक्ट। तो यानी कि दोस्तों जो पैलेट्स होते हैं वो आपस में टकरा के और ज़्यादा डिस्पर्स होने लगते हैं, इसी को दोस्तों बोला जाता है बिलियर्ड बॉल इफेक्ट। ब्लास्ट इंजरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो टाइप ऑफ ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट, अंडर वाटर ब्लास्ट और सॉलिड ब्लास्ट, तीन टाइप के ब्लास्ट होते हैं। तो एयर ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन, मोस्ट कॉमनली इफेक्ट ऑर्गन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन होता है। अंडर वाटर ब्लास्ट की अगर दोस्तों बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन सफरिंग इंजरी इज इंटेस्टाइन, हेड इज अबव वाटर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हेड इज सबमर्ज इनसाइड वाटर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये पानी है और पर्सन ऐसे अगर है और पानी में अगर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ब्लास्ट हुआ है तो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों पूरा ही पानी के अंदर है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ब्लास्ट के अंदर प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी अकर्स ड्यू टू शॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सप्लोजन, सडन चेंजेस इन बैरोमेट्रिक प्रेशर कॉज डैमेज टू एयर फिल्ड हॉलो ऑर्गन इंक्लूडिंग ईयर, लंग्स एंड GIT। डैमेज टू द लंग्स इज द मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज इंजरी। तो दोस्तों अगर लंग्स डैमेज हो, लंग्स इज द मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, तो दोस्तों लंग्स डैमेज कर जाते हैं। इंजरी की अगर दोस्तों बात करें तो प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी और क्वार्टरनरी ब्लास्ट इंजरी, चार टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, फोर टाइप्स। ड्यू टू डायरेक्ट प्रेशर इफेक्ट ऑफ द ब्लास्ट वेव बैरोट्रॉमा, इट डैमेजेस हॉलो ऑर्गन्स, द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लास्ट इफेक्ट इज ईयर। तो दोस्तों हॉलो ऑर्गन सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो दोस्तों ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी दोस्तों क्या होगा, कॉज बाय फ्लाइंग मिसाइल जनरेटेड बाय एक्सप्लोजन, इट प्रोड्यूस क्लासिक मार्शमेलो ट्राइड, क्या होगा दोस्तों, ब्रूज एब्रेशन और पंक्चर लेसरेशन। तो दोस्तों ये होता मार्शल्स ट्राइड। टर्शरी ब्लास्ट इंजरी क्या होगा दोस्तों, सस्टेन व्हेन विक्टिम इज लिफ्ट अप एंड थ्रोन अराउंड बाय द ब्लास्ट विंड। क्वार्टरनरी ब्लास्ट इंजरी क्या होगा दोस्तों, प्रोड्यूस बाय मिसलेनियस मेथड लाइक बर्न एंड फ्यूम। तो दोस्तों चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ब्लास्ट, सेकेंडरी ब्लास्ट, टर्शियरी ब्लास्ट और क्वार्टरनरी ब्लास्ट। तो दोस्तों इसी के साथ थ्योरी पार्ट हमने कवर किया, अब हम बात करते हैं MCQs के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं कुछ आपको MCQs और जो है इमेजेस कुछ मैं आपको करवाऊंगा। कॉमनेस्ट ऑर्गन टू बी इंजर्ड इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी इज, तो दोस्तों कॉमनेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी में। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं दोस्तों वो कॉमनली इसके अंदर इंजर्ड हो जाते हैं, तो लीवर नहीं, स्प्लीन नहीं, स्किन नहीं। तो दोस्तों लंग्स हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ ब्लास्ट इंजरी चार टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी,
सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, टर्शनरी ब्लास्ट इंजरी और क्वार्टनरी ब्लास्ट इंजरी। दोस्तों अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रैपिड क्रशिंग ओवर प्रेशर उसकी वजह से होता है। इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डैमेज टू हॉलो ऑर्गन सच एज ईयर्स, आईज, लंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो फ्लाइंग डेब्रिज होती है उसकी वजह से होता है। पेपरिंग एंड ट्राइड ऑफ द ब्रूजेस, एब्रेशन एंड पंक्चर लेसरेशन इज डायग्नोस्टिक, पेनिट्रेटिंग एंड द ब्लास्ट ट्रॉमा इंजरी। टर्शरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्लास्ट विंड विंड की वजह से, ब्लास्ट विंड की वजह से विक्टिम थ्रोज इन एयर एंड स्ट्राइक अदर ऑब्जेक्ट्स लीड्स टू फ्रैक्चर एंड ब्लंट ट्रॉमा। क्वार्टनरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो एनी कॉम्प्लिकेशन फैक्टर नॉट इन द अदर थ्री कैटेगरीज। तो अगर दोस्तों इन तीन कैटेगरी के अंदर नहीं आता है तो वो चीज़ के अंदर आएगा, जैसे बर्न की वजह से, क्रश इंजरी की वजह से, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इन सब की वजह से जो इंजरी प्रोड्यूस होंगी उसको दोस्तों क्वार्टनरी इंजरी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले ये प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी के बारे में बता देता हूँ, हमने ये इमेज के द्वारा बता देता हूँ आप में। प्राइमरी ब्लास्ट कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, टर्शरी ब्लास्ट इंजरी और क्वार्टनरी इंजरी, तो जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि जो है अच्छे से अंडरलाइन करता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्राइमरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी, टर्शरी इंजरी और क्वार्टनरी इंजरी। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्राइमरी इंजरी क्या होती है, ईयर्स, लंग्स, ऑर्गन इंजरी, प्रेशर, ब्लास्ट वेव्स और उसकी वजह से वो होता है। सेकेंडरी इंजरी क्या होगा दोस्तों, जो फ्लाइंग डेब्रिस आती हैं बॉम्ब से, जो फ्रेगमेंट्स आते हैं उसकी वजह से। टर्शरी इंजरीज क्या बताई थी दोस्तों मैंने, रिजल्ट फ्रॉम बींग थ्रोन बाय ब्लास्ट वेव उसकी वजह से, जैसे उड़ के जो पर्सन गिरेगा ब्लास्ट वेव्स की वजह से। और क्वार्टनरी इंजरी, ऑल इंजरी डज नॉट, ऑल इंजरीज नॉट ड्यू टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मैकेनिज्म। इन तीनों के अलावा अगर कुछ आता है जैसे कि बर्न, हेड इंजरी, उसको बोले जाते हैं दोस्तों क्वार्टनरी इंजरी। तो दोस्तों कॉमनेस्ट ऑर्गन इंजरी इन प्राइमरी ब्लास्ट, तो दोस्तों तीन टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था, एयर ब्लास्ट, अंडर वाटर ब्लास्ट और सॉलिड ब्लास्ट, तीन टाइप के ब्लास्ट मैंने आपको बताए थे। तो थोड़ा सा एयर ब्लास्ट का जान लेते हैं। बैरोट्रॉमा टू एयर फिल्ड हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, लंग्स, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं वो सारी चीज़ों में डैमेज होता है, उसमें ज़्यादा डैमेज होता है। अंडर वाटर ब्लास्ट के अंदर दोस्तों क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सबसे ज़्यादा कॉमनली इंजर्ड होते हैं। सॉलिड ब्लास्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लोजिव एनर्जी स्प्रेड थ्रू रिजिड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल टैंक और वॉरशिप। तो दोस्तों इस वजह से होता है, इसके अंदर स्केलेटल जो होते हैं उसको सबसे ज़्यादा इंजरी लगती है। तो दोस्तों एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं एक मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुलेट इज पिक्ड अप विद, तो दोस्तों बुलेट को कैसे पिक किया जाता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हाथों के द्वारा पिक किया जाता है ताकि उसके अंदर जो मार्किंग्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो टूटेड फोर्सेप नहीं, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये एक बार ठीक कर लूँ मैं। तो दोस्तों बुलेट किससे पिक किया जाता है, हैंड से पिक किया जाता है, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे दोस्तों यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं हाथों से पिक किया जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो मार्किंग होती है वो मिट सकती है। तो राइफलिंग मार्किंग ओवर बुलेट, तो जो आप देख रहे हैं कि दोस्तों जो मार्किंग होती है वो जो है आती है बुलेट के ऊपर। तो अगर हम किसी, मान लीजिए
टूटेड फोरसेप से अगर हम उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो है मार्किंग इसकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रिकवरिंग ऑफ द बुलेट, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे दोस्तों, बुलेट शुड बी रिमूव विद बेयर फिंगर यानी कि हाथों से उठाना पड़ेगा या फिर रबर टिप फोरसेप एंड टूटेड मेटल फोरसेप शुड नॉट बी यूज। क्यों? क्योंकि रिकवर बुलेट शुड बी ड्राइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मार्किंग होती है वो मिट सकती है। तो दोस्तों जो बुलेट को रिकवर किया गया है उसको ड्राई करना पड़ेगा, पानी से नहीं धोना पड़ेगा। तो अगर पानी से धोएंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड वगैरह जो है ये सारी चीज़ें जो हैं धुल जाएंगे। एज इट वुड रिमूव एनी पाउडर रेसिड्यू एंड ब्लड स्टिकिंग टू इट। साइज, काइंड ऑफ द मेटल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्ट्राइशन, डिफॉर्मिटी एंड पैटर्न ऑफ वीव्स ऑफ द क्लोथ ऑन द नोज ऑफ द बुलेट इज नोटेड। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करके रखनी पड़ेगी। बुलेट को ड्राइव करना रहेगा, रैप करना रहेगा पेपर के अंदर और फिर उसको प्रिजर्व करके कंटेनर के अंदर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की, गन शॉट रेसिड्यू ऑन हैंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो दोस्तों गन शॉट रेसिड्यू को डिटेक्ट करने के लिए मैंने आपको जो निमोनी दिया था वो था हैंड्स। तो दोस्तों जो डी था वो था डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। तो दोस्तों फिनाथ्रीन टेस्ट नहीं, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट का सही जवाब, बेंजीडिन टेस्ट नहीं, हाइड्रोजन एक्टिवेशन एनालिसिस नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो डर्मल नाइट्रेट टेस्ट जिसको पैराफिन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, इट वॉज यूज अर्लियर टू डिटरमाइन इफ अ सस्पेक्ट हैड डिस्चार्ज अ फायरआर्म, द ब्लो ब्लैक पाउडर रेसिड्यू डिपॉजिटेड ऑन द बैक ऑफ द पाम एंड द वेब ऑफ द लाइक फायरर्स हैंड वर कलेक्टेड ऑन पैराफिन कास्ट एंड टेस्टेड फॉर द नाइट्रेट यूजिंग डाइफिनालामीन रिएजेंट। तो दोस्तों ये पहले यूज़ किया था, अब तो जो है इसको डिस्कार्ड, अब तो ये यूज़ नहीं किया जाता है ये। द टेस्ट इज नाउ ऑब्सोलीट एज इट इज़ गिवन बाय द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड नॉट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल लाइक फर्टिलाइजर्स, सिगरेट्स, यूरिन एक्सेट्रा। बेटर केमिकल टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स एंड GSI यानी कि एंटोनी, बेरियम, कॉपर, लेड एक्सेट्रा आर नॉट यूज टू एग्जामिन हैंड स्वाप एंड वॉशिंग, द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज फॉर दिस पर्पज आर। क्या क्या यूज होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद एक्सरे एनालाइजर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने जो आपको निमोनी दिया था वो था हैंड, HANDS। तो दोस्तों H से हो गया हैरिसन एंड गिलरॉय, हैरिसन एंड गिलरॉय। A से दोस्तों हो गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। N से दोस्तों हो गया न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। D से दोस्तों हो गया डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। एच से दोस्तों हो गया सेमीडेक्सा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेमीडेक्सा। तो दोस्तों जैसे गन पाउडर रेसिड्यू है ये, यही है दोस्तों गन पाउडर रेसिड्यू, गन पाउडर रेसिड्यू। तो ये चीज ध्यान में रखी जाएगी। और दोस्तों क्या चीज को लेके डिटेक्ट किया जाता है इन सब चीज, ये है इसका मैकेनिज्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो दोस्तों डर्मल नाइट्रेट टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए आता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया था गन पाउडर रेसिड्यू के लिए होता है, सेमेनिस्टेंस नहीं, ब्लड स्टेन नहीं, स्लाइवा नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, स्टेलेट वुंड मे बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुलेट एंट्री वुंड। तो दोस्तों स्टेलेट वुंड जो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्ट शॉट के अंदर ये देखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैसेस बाहर नहीं निकल के आ पाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है अंदर की गैसेस बाहर आने के लिए, उसी की वजह से ये स्टेरेट वुंड शो होता है। तो ये कॉन्टेक्ट वुंड के अंदर देखा जाता है, क्लोज शॉट नहीं, डिस्टेंस शॉट नहीं, 2 फीट डिस्टेंस नहीं। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि कॉन्टेक्ट किया हुआ है, सिंस कॉन्टेक्ट क्या हुआ तो जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करती हैं, तो गैसेस गेट एक्यूमुलेटेड बीनीथ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड प्रोड्यूस ब्लास्ट इफेक्ट
एंड कॉज टियरिंग द स्किन, इवर्जन ऑफ एजेस एंड प्रोट्यूजन ऑफ द फैट ड्यू टू टियरिंग द शेप ऑफ वुंड मे बी ऑफ द ट्राइंगुलर क्रूशेट और स्टार शेप। तो दोस्तों इसी की वजह से स्टेलेट शेप वुंड दिखाई देता है कॉन्टेक्ट शॉट के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टेलेट यानी कि स्टार शेप, या आप देख रहे हैं स्टार शेप, स्टेलेट यानी कि स्टार शेप, कॉन्टेक्ट हेड एंट्रेंस वुंड रिजल्ट इन स्टेलेट क्रूसीफॉर्म ट्राइडेंट या फिर अनडिटरमाइंड रेज वुंड विथ इवर्टेड मार्जिन फ्रॉम विच लेसरेशन रेडिएट आउट वॉल्ड। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन फायरआर्म इंजरी एंट्री वुंड ब्लैकनिंग इज ड्यू टू। तो दोस्तों एंट्री वुंड के टाइम के वहाँ पे ब्लैकनिंग किसकी वजह से देखी जाएगी? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था स्मोक की वजह से देखी जाती है और इसको हम पानी के कपड़े से या किसी से अगर हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ भी हो जाता है। तो फ्लेम्स नहीं, हॉट गैसेस नहीं, स्मोक है इसका करेक्ट आंसर, अनबर्न पाउडर नहीं। तो दोस्तों इससे तो टैटूइंग होती है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। द ब्लैकनिंग ऑफ एंट्री वुंड इज ड्यू टू फाइन कार्बन पार्टिकल इन स्मोक, उसी की वजह से दोस्तों ब्लैकनिंग देखी जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं टैटूइंग किसकी वजह से देखा जाता है, अनबर्न या फिर पार्शली बर्न गन पाउडर की वजह से। ब्लैकनिंग किसकी वजह से देखा जाता है दोस्तों, स्मोक की वजह से। स्क्रॉचिंग किसकी वजह से देखा जाता है दोस्तों, हीट की वजह से। बर्निंग या फिर सिंजिंग ऑफ द हेयर्स, दोस्तों ये जो आग निकलती है उसकी वजह से। तो दोस्तों थोड़ा सा इमेजेस के उससे देख लेते हैं। तो जब भी दोस्तों बंदूक से गोली निकलती है तो उसके साथ साथ गोली तो निकलती है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, थोड़ा सा फायर हो गया, अनबर्न गन पाउडर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और गोली के ऊपर दोस्तों थोड़ी सी ग्रीस लगी रहती है, तो जो है इसी यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस भी होती है। तो दोस्तों इन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्मोक, जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्मोक होता है दोस्तों उसकी वजह से आता है ब्लैकनिंग। अनबर्न गन पाउडर की वजह से जो होता है, अनबर्न गन पाउडर पार्टिकल की वजह से होता है दोस्तों टैटूइंग। ये वाइप नहीं होगा, ये वाइप नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहा टैटूइंग, अनबर्न गन पाउडर की वजह से ब्लैकनिंग होता है स्मोक की वजह से, और सिंजिंग और हेयर ऑफ हेयर फायर की वजह से होता है सिंजिंग ऑफ द हेयर, सिंजिंग ऑफ हेयर्स। तो दोस्तों इफेक्ट प्रोड्यूस ओवर बॉडी बाय द कंपोनेंट इमर्जिंग फ्रॉम द मजल एंड ऑफ द फायर आर्म। तो दोस्तों क्या होगा कि जो ये यहाँ से गोली अंदर आई, गोली के इर्द गिर्द रहेगा ग्रीस कॉलर, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बैरल के अंदर लुब्रिकेंट होता है, और दोस्तों सिंस गायरोस्कोपिक नेचर की वजह से जो है एब्रेशन कॉलर बनेगा, और दोस्तों इस एब्रेशन कॉलर के बाहर जो है अनबर्न गन पाउडर की वजह से जो है टैटूइंग होगा, और सिंस जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से दोस्तों जो है ब्लैकनिंग होगी। और ये होता है पूरा इसी सिक्वेंस में दोस्तों चीज़ें वुंड के ऊपर दिखाई देती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं एग्जिट और एंट्री वुंड का बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। हालांकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी पार्ट के अंदर भी, लेकिन तब भी एक बार फिर से, साइज कैसा रहेगा दोस्तों, स्मॉलर देन बुलेट डायमीटर, व्हेन नियर लार्जर व्हेन डिस्टेंट। और एग्जिट वुंड के अंदर दोस्तों कैसा रहेगा, लार्जर व्हेन नियर, स्मॉलर व्हेन डिस्टेंट। मार्जिन्स कैसे रहेंगे दोस्तों, इन्वर्टेड लेकिन यहाँ पे इवर्टेड। प्रोट्यूजन ऑफ द फैट यहाँ पे एब्सेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हेमरेज यहाँ पे कम रहेगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा रहता है। स्कल बोन यहाँ पे स्मूथ रहेंगे लेकिन यहाँ पे बिवेल्ड रहेंगे। तो दोस्तों ब्लैकनिंग, सिंजिंग, बर्निंग, टैटूइंग, ये सारी चीज़ें दोस्तों एंट्री वुंड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एग्जिट वुंड के अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहती हैं। तो ये जो है मिटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे एग्जिट वुंड के अंदर ये एब्सेंट रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ग्रीस कॉलर इज सीन विद,
विच वुंड? तो दोस्तों जो ग्रीन स्कॉलर जो देखा जाता है ये फायर आर्म की एंट्री वुंड के अंदर देखा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, एंट्री वुंड के अंदर देखा जाता है, ये मैं गलत टिक कर गया, ठीक है, फायर आर्म एंट्री वुंड के अंदर ये देखा जाता है। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, एग्जिट वुंड के अंदर नहीं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर नहीं, हैंगिंग के अंदर नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट व्हाइल पेनिट्रेटिंग द स्किन कॉज फ्रिक्शन ड्यू टू विच एब्रेशन कॉलर इज प्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए बुलेट है, यही मैंने कहा था स्पिनिंग मूवमेंट होता है, इसी स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से दोस्तों, यही जो स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से एब्रेशन कॉलर बनता है। और दोस्तों इस बुलेट के इर्द गिर्द ग्रीस रहता है क्योंकि बैरल के अंदर जो है लुब्रिकेंट रहते हैं, तो उसी की वजह से ग्रीस बुलेट के ऊपर रहता है। तो बुलेट की एंट्री है, ये है एंट्री बुलेट की, ऐसे कि पहले रहेगा ग्रीस कॉलर, उसके बाहर आएगा एब्रेशन कॉलर। तो एब्रेशन एंड ग्रीस कॉलर मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एब्रेशन कॉलर, ये हो गया ए एब्रेशन कॉलर का, ये हो गया एब्रेशन कॉलर का पिक, और दोस्तों ये हो गया ग्रीस कॉलर का पिक, ये दोस्तों हो गया ग्रीस कॉलर का पिक। तो ग्रीस कॉलर वगैरह किससे बनता है, क्यों होता है? द बैरल ऑफ द फायरआर्म इज यूजली लुब्रिकेटेड, व्हेन सच लुब्रिकेटेड वेपन इज फायर्ड द बुलेट कैरीज द लुब्रिकेंट व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द बैरल व्हाइल एंटरिंग द बॉडी द लुब्रिकेंट, यानी कि जो ग्रीस होती है ओवर द बुलेट गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्किन अराउंड द एंट्री वुंड, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट व्हाइल परफोरेटिंग द स्किन कॉज वाइपिंग द लुब्रिकेंट फ्रॉम इट्स सरफेस, द लुब्रिकेंट ऑफ या फिर डर्ट पार्टिकल जो होता है दैट गेट डिपॉजिटेड अराउंड द एंट्री वुंड इज कॉल्ड द ग्रीस कॉलर या फिर डर्ट कॉलर। तो यह है दोस्तों इसका पूरा मैकेनिज्म। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ब्लैक गन पाउडर मेड ऑफ। तो दोस्तों जो ब्लैक गन पाउडर होता है वो किससे बना रहता है? तो इसके लिए दोस्तों जो मैंने आपको निमोनिक दिया था वो था पीसीएस, तो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर पाउडर, इन तीन से बना रहता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए बी और सी हो गया इसके करेक्ट आंसर। तो पी से हो गया दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, सी से हो गया दोस्तों चारकोल, एस से हो गया दोस्तों सल्फर। तो तीन हो गया इसके करेक्ट आंसर ए बी और सी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लैक गन पाउडर इज ऑल एक्सेप्ट, यहां पे पूछा गया दोस्तों एक्सेप्ट, तो पी सी एस, तो ये हो गया पी, ये हो गया सी, ये हो गया एस। तो दोस्तों लेड परऑक्साइड नहीं होता है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा ब्लैक गन पाउडर के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब्ड इन FFG या फिर FFFG एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द साइज, यानी कि फिटनेस ऑफ द ग्रेन, द फाइनर एंड फास्टर बर्निंग ग्रेन हैव मोर नंबर ऑफ एफ। तो दोस्तों जितने ज़्यादा एफ होंगे उतने ही ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होंगे, और जितने ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी से वो बर्न करेगा। तो दोस्तों जो निमोनिक दिया था मैंने वो दिया था मैंने PCS, पोटेशियम नाइट्रेट 75% रहता है, चारकोल जो होता है 15% रहता है, और सल्फर होता है 10%। तो दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको स्मोकलेस गन पाउडर के बारे में भी बता देता हूँ, उसके क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो स्मोकलेस गन पाउडर, तो दोस्तों तीन होते हैं, सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस। सिंगल बेस के दोस्तों नाइट्रोसेलुलोज, डबल बेस के अंदर दोस्तों नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन ट्रिपल बेस के अंदर दोस्तों नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन प्लस नाइट्रोग्वानिडीन
होता है। और दोस्तों सेमी स्मोकलेस गन पाउडर के अंदर मैं रेशियो जो बताया था 80-20 रेशियो का मैंने बताया था, तो एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ जी, एफ एफ जी और ट्रिपल एफ जी क्या होता है दोस्तों। जितने नंबर ऑफ एफ जितने रहेंगे उतने ही ज़्यादा जो है फाइननेस रहेगी, और जितनी ज़्यादा फाइननेस रहेगी उतनी ज़्यादा बर्निंग पावर हो रहती है, बर्निंग पावर रहती है। तो दोस्तों एफ जी, डबल एफ जी, ट्रिपल एफ जी यूज टू डिस्क्राइब, तो दोस्तों किसके लिए ये होता है ये, तो ये जो है गन, ब्लैक गन पाउडर के लिए होता है। तो प्राइमर नहीं, कार्ट्रेज नहीं, बैड नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं बता दूं ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर में से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बिवेलिंग ऑफ द इनर टेबल ऑफ द स्कल इज फाउंड इन। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि बिवेलिंग ऑफ इनर टेबल, इनर टेबल की बात आ रही, तो दोस्तों एंट्री वुंड के अंदर ये पाया जाता है, तो फायर आर्म एंट्री वुंड इसके पाया था, एग्जिट वुंड के नहीं, ड्रॉइंग नहीं, इन सेंटर सेंटर के अंदर नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे अगली इमेज के द्वारा बता देता हूँ मैं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये स्कल है, और दोस्तों ये हो गया इसकी इनर टेबल और ये हो गया इसकी आउटर टेबल, ठीक है। और मान लीजिए दोस्तों यहाँ से आ रही बुलेट, तो जो जो बुलेट जब यहाँ पे आएगी दोस्तों ये होगी इसकी आउटर टेबल, और दोस्तों ये होगा इसकी इनर टेबल। तो दोस्तों जब ये बुलेट इस पर स्ट्राइक करेगी तो दोस्तों क्या होगा कि ऐसे बिवेलिंग देखी जाती है, ठीक है, यही बिवेलिंग देखी जाती है, इसी को दोस्तों बोला जाता है बिवेलिंग। और दोस्तों यही बुलेट जब आगे जब एग्जिट करेगी तो फिर से ये ऐसे ही शेप से बाहर निकलेगी, तो दोस्तों यहाँ पे होगी बिवेलिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि जब एंट्री कर रही थी बुलेट, जब बुलेट एंट्री कर रही थी तो उसके इनर टेबल पे बिवेलिंग देखी गई थी, जब इनर टेबल पे उसके बिवेलिंग देखी गई थी, और लेकिन जब बुलेट बाहर आ रही थी तो उसके आउटर टेबल पे बिवेलिंग देखी गई थी। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, तो बिवेलिंग इस चीज को बोलते हैं। इन टेंडम बुलेट द नंबर ऑफ बुलेट फायर इज, तो दोस्तों टेंडम बुलेट के अंदर जो बुलेट फायर होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों वो दो होती है। तो अगर मान लीजिए ये अंदर एक गोली अगर मान लीजिए अटक गई, और जब दोबारा हम फायर करेंगे तो एक साथ दो दो गोली बाहर निकल के आती हैं। इन टेंडम बुलेट द नंबर ऑफ बुलेट फायर इज टू, तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन इज नॉट रिलीज्ड, इट इज इजेक्टेड आउट विद अ सब्सिक्वेंट शॉट, इट इज नोन एज। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले शॉट में बाहर नहीं निकली, दूसरे शॉट में बाहर निकली, तो दोस्तों इसी को बोला जाता है टेंडम बुलेट, तो डी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बारी इसको इमेज के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पहली बुलेट नहीं निकल पाई, किसी भी वजह से फॉल्टी एमिनेशन था, या ओल्ड बुलेट या ओल्ड गन थी जिसकी वजह से नहीं निकल पाई। ऑन फायरिंग बुलेट फेल्स टू एग्जिट मजल एंड, तो दोस्तों जब दोबारा फायरिंग करेंगे, सब्सिक्वेंट फायरिंग सेकंड बुलेट इज कैरिंग विद द फर्स्ट बुलेट, दोस्तों जब दोबारा फायरिंग करेंगे तो एक के साथ दो बुलेट बाहर निकलेंगे, तो इसी को दोस्तों पिगी बैंक बुलेट का नाम दिया गया है। तो यही हो गया दोस्तों टेंडम बुलेट। तो टेंडम बुलेट क्या होगा दोस्तों, पिगी बैंक बुलेट के नाम से अभी हम जानते हैं, एट टाइम मोर देन वन बुलेट मे बी फाउंड इन द बॉडी दो देयर इज सिंगल एंट्री वुंड, दिस अकर इफ देयर इज डिफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग और फॉल्टी एमिनेशन, ऑन फायरिंग द बुलेट फेल्स टू एग्जिट फ्रॉम द मजल एंड, एंड ऑन फायरिंग सेकेंड टाइम द सेकेंड बुलेट मे एग्जिट फ्रॉम द मजल एंड बट कैरिंग विद इट विद द फर्स्ट एंड, दस बोथ बुलेट मे बी एंटर थ्रू द सेम एंट्री वुंड एंड अटैच टू अनदर, दिस इज कॉल्ड अ टेंडम बुलेट या फिर पिगी बैंक बुलेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टेंडम बुलेट के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलेट लीव्स अ विजिबल मार्क इन पाथ सो दैट अ पर्सन कैन सी इट। तो दोस्तों
कौन सी बुलेट जो है विजुअल पाथ क्रिएट करती है, इससे जो फायरर है जो बुलेट फायर करता है उसको उसका पाथ दिख सके। तो दोस्तों इसी को, इस बुलेट को बोला जाता है दोस्तों ट्रेसर बुलेट, इसी को दोस्तों बोला जाता है ट्रेसर बुलेट, क्योंकि इसके अंदर जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। तो टैंडम बुलेट नहीं, डैंडम बुलेट नहीं, इंसेंट्री बुलेट नहीं, तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो ट्रेसर बुलेट लीव्स अ ट्रेस ऑफ विजिबल मार्क इन पाथ सो दैट द पर्सन या फिर गनर कैन ऑब्जर्व द स्ट्राइक, कंसिस्ट ऑफ हार्ड स्टील कोर रिजेम्बलिंग बोथ बॉल कवर्ड इन अ मेटल एनवेलप बट द रेयर पोर्शन ऑफ द कोर इज रिमूव एंड द स्पेस फिल्ड विद केमिकल मिक्सचर ऑफ द बेरियम नाइट्रेट एंड पाउडर मैग्नीशियम विद स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट इज एडेड टू गिव इट अ रेड कलर। तो दोस्तों मिक्सचर रहता है इसके अंदर बेरियम नाइट्रेट का, पाउडर जो है मैग्नीशियम विद स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट का, इन सब पर रहता है जिससे उसको रेड कलर मिलता है। तो दोस्तों रिकोशेट बुलेट और यॉनिंग बुलेट के बारे में भी जान लेते हैं। रिकोशेट बुलेट क्या होता है, ऑन विच बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट एम एट स्ट्राइक सम इंटरवेनिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर रिकोशेटिंग एंड रिबाउंडिंग ग्लांसिंग फ्रॉम दिस हिट्स द ऑब्जेक्ट। यॉनिंग बुलेट क्या होगा दोस्तों, कि वन विच ट्रेवल इन इरेगुलर फैशन इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग नोज ऑन एंड कॉज अ की होल एंट्री वुंड। तो दोस्तों की होल एंट्री वुंड ये कॉज करता है, yawn means deviated between long axis of the bullet and the axis of the path। तो दोस्तों अगर मैं identify करने को बोलूं तो ये हो गए दोस्तों ricochet bullet। तो दोस्तों ये हो गए ricochet bullet, ये हो गए दोस्तों tumbling bullet, yawning bullet। yawning bullet क्या होगा दोस्तों, ये अगर जा रही bullet तो ये ऐसे ही अपने path पे ऐसे होते जाएगी, ये ऐसे ही अपने path पे होते जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो है ये होती दोस्तों tumbling bullet। टम्बलिंग बुलेट क्या होगा दोस्तों, कभी ऐसे है 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 कभी ऐसे है। तो दोस्तों कोई शेप किसी एक फिक्स उसमें नहीं जाएगी, ये टम्बल करते जाती है। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इमेज को आइडेंटिफाई करते दोस्तों क्या होगा, ये दिस इज अ बुलेट विच इज ओपन एट बेस एंड द पॉइंट इज कवर्ड विद जैकेट सो एज टू फॉर्म हॉलो एट द नोज द पर्पज इज दैट वेन बुलेट स्ट्राइक बॉडी इट विल एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस लार्ज होल। तो दोस्तों ये हो गया डमडम बुलेट। तो ये हो गया दोस्तों डमडम बुलेट। तो दोस्तों जैसे एक्सट्रैक्ट करेगी तो ये ऊपर से फैल जाएगी ताकि ये बड़ा एरिया में जो है बड़ा एरिया बनाए चोट में, तो एंट्री वुंड जो वुंड रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो इसी को दोस्तों बोला जाता है डम डम बुलेट। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या होगा, दीज आर द बुलेट कंटेनिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल एंड इफ सच बुलेट एक्सप्लोड इट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज। तो दोस्तों जो अंदर एक्सप्लोड करेगी तो दोस्तों उन बुलेट को बोला जाता है एक्सप्लोजिव बुलेट, एक्सप्लोजिव बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, द बुलेट आर मेड अप ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो दोस्तों पीवीसी की बनी रहती हैं। इट इज़ यूजली फायर्ड फ्रॉम स्मूथ बोर वेपन एंड यूज फॉर कंट्रोलिंग द राइड्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्लास्टिक बुलेट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे प्लास्टिक बुलेट। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, अ बुलेट एंटर्ड इन बॉडी में लॉज इन द टिश्यू, इफ सच बुलेट इज नॉट रिमूव द बुलेट में रिमेन इन बॉडी एंड गेट्स covered by in encapsulation of the tissue, thus it is retained bullet inside the body. Such retained bullet inside body is called as souvenir bullet. Lead poisoning may occur from such bullet but is rare. तो दोस्तों यही होती souvenir, इसको बुलाता है दोस्तों souvenir bullet. Next दोस्तों देखते हैं, this is a type of bullet which on the striking the body break into multiple fragments. तो दोस्तों इसको बोलते हैं fringable bullet. तो दोस्तों इसको बोलते हैं फ्रेंगेबल बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि अगर गोली सीधी आई है तो दोस्तों सर्कुलर एंट्री वुंड बनेगा, लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस ये जो ओवल शेप में अगर बनता है तो दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि जो बुलेट है वो थोड़ी सी एंगल में आके जो है अंदर आई है,
तो अगर बुलेट एंटर ऑब्लिकली तो दोस्तों ये देखा जाता है रिकोशेट बुलेट के अंदर, तो दोस्तों ये देखा जाता है रिकोशेट बुलेट के अंदर। और दोस्तों ऐसी की होल किसके अंदर देखा जाता है, की होल किसके अंदर देखा जाएगा दोस्तों, ये देखा जाता है योनिंग के अंदर, योनिंग बुलेट के अंदर ये देखा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन एम्प्टी कार्ट्रिज केज इज नॉट इजेक्टेड आफ्टर फायरिंग, तो दोस्तों ये नॉट जो है यहाँ रहेगा, एम्प्टी कार्ट्रिज केज इज नॉट इजेक्टेड आफ्टर फायरिंग, तो दोस्तों खुद से कार्ट्रिज जो जो एम्प्टी कार्ट्रिज होगा वो किस में बाहर नहीं निकलेगा, तो दोस्तों वो जो है रिवॉल्वर के अंदर बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो शॉर्ट गन के अंदर भी बाहर निकलता है, रिवॉल्वर के अंदर नहीं निकलता, पिस्तौल के अंदर निकलता है, राइफल के अंदर भी निकलता है, तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हो गया रिवॉल्वर, रिवॉल्वर नेवर इजेक्ट कार्ट्रिज ऑन द फायरिंग, द रिमेनिंग थ्री कार्ट्रिज यानी कि पिस्तौल, शॉर्ट गन और राइफल ऑल इंक्लूड सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वर्जन विच इजेक्ट कार्ट्रिज ऑन फायरिंग। तो दोस्तों जो रिवॉल्वर होता है लोडिंग ऑफ द कार्ट्रिज इनटू द सिलेंडर, लेकिन द फायर कार्ट्रिज केस रिक्वायर टू बी रिमूव बाय हैंड। पिस्तौल दोस्तों क्या होता है, कार्ट्रिज कंटेन्ड इन वर्टिकल मैगजीन हाउस इन द ग्रिपिंग ऑफ द पिस्तौल दैट इज डायरेक्ट लोडिंग इनटू द चेंबर। तो फायर एम्प्टी कार्ट्रिज केस इज ऑटोमेटिक इजेक्टेड। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूँ मैं। तो ये हो गया दोस्तों पिस्तौल, पिस्तौल में आप देखते होंगे कि यहां से बाहर निकल आती है और जो मैगजीन जो भरी जाती है वो इसी के बट के अंदर भरी जाती है, और ये हो गई इसकी मैगजीन। ये हो गए दोस्तों रिवॉल्वर, रिवॉल्वर के अंदर आप देखते हैं कि हाथ से ही अंदर डाली जाती है गोलियां, और दोस्तों जब खाली जब हो जाती है, जब फायर कर दी जाती है, तो दोस्तों इसको हाथों से ही बाहर गोलियां निकालनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये हो गया रिवॉल्वर, ये हो गया दोस्तों शॉर्ट गन, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट गन। शॉर्ट गन के आजकल जो होता है कि इसी को जो है पीछे प्रेस करिए तो यहां से जो है बाहर आ जाती हैं। और ये हो गए दोस्तों राइफल्स, ये हो गए दोस्तों राइफल AK-47, काफी फेमस राइफल में से एक। तो दोस्तों एक बारी राइफल फायरआर्म और स्मूथ बो फायरआर्म के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द बैरल, दो उसमें डिवाइड किया गया है, शॉर्ट बैरल और हैंड रेस्ट या फिर हैंड आर्म जैसे कि पिस्तौल और रिवॉल्वर। लॉन्ग बैरल की अगर हम बात करें तो मिलिट्री राइफल या फिर AK-47, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। डिपेंडिंग ऑन द मजर वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी के दोस्तों बात करें तो लो वेलोसिटी होती है अप टू 1200 फीट पर सेकेंड, मीडियम वेलोसिटी वो होती है दोस्तों जो 1200 फीट से लेके 250 फीट पर सेकेंड की स्पीड से जाए, हाई वेलोसिटी वो होती है दोस्तों जो 300 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से निकले। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिव एक्शन दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ द कार्ट्रिज इनटू द चैम्बर फॉर द फायरिंग, तो दोस्तों इसके बिहाफ पे स्लाइड एक्शन, बोल्ट एक्शन, लीवर एक्शन, सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक, इसके ऊपर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसे अब मैंने आपको बताया था राइफलिंग, तो जो राइफलिंग होता है दोस्तों आप देख रहे हैं अंदर लैंड और ग्रूव को ऐसे स्पायरल उसमें किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों लैंड और ये हो गया ग्रूव, ये हो गया इतना ग्रूव और दोस्तों ये इतना पार्ट हो गया लैंड। तो दोस्तों जो दो लैंड की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है कैलिबर। तो राइफलिंग क्यों की जाती है, राइफलिंग क्यों की जाती है, राइफलिंग गिव्स स्पिनिंग मूवमेंट टू बुलेट इन इट्स लॉन्ग एक्सिस, स्पिनिंग कॉज गायरोस्कोपिंग मूवमेंट टू बुलेट विच गिव्स अ स्टेडीनेस और स्टेबिलिटी टू बुलेट वाइल ट्रैवलिंग इन एयर, राइफलिंग इंक्रीजेज द पावर ऑफ द पेनिट्रेटिंग बाय द बुलेट, प्रिवेंट्स वॉबलिंग यानी कि शेकिंग को यह प्रिवेंट करता है और बुलेट विच ट्रैवल इन द एयर। इससे क्या होगा दोस्तों, राइफलिंग करने से क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ द टारगेट एम और ये दोस्तों ज्यादा दूरी तक जा सकता है। टाइप ऑफ शॉटगन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी तक हमने राइफल के बारे में देखा,
अब हम शॉर्ट बैंड के बारे में देखते हैं। तो डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द बैरल, उसके बिहाफ पे अगर हम डिवाइड करें तो लॉन्ग बैरल शॉर्ट बैरल, डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग ऑफ द एमिनेशन और कार्टरेज, उसके बेस पे मजर लोडिंग या फिर ब्रीच लोडिंग, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ द बैरल, उसके बेस पे सिंगल बैरल, डबल बैरल या फिर मल्टीपल बैरल, डिपेंडिंग ऑन चोकिंग ऑफ द बैरल, उसके बेस पे फुल चोक, थ्री क्वार्टर चोक, हाफ चोक, क्वार्टर चोक या फिर नॉन चोक। तो दोस्तों अंदर कोई भी लैंड और ग्रूव नहीं रहता है, या आप देख रहे हैं कोई भी अंदर लैंड और ग्रूव नहीं रहता है, पूरा स्मूथ रहता है ये चीज। तो दोस्तों अगर हम एडवांटेज देखें कि हम ये क्यों करते हैं, तो दोस्तों ये चीज के बारे में बता देता हूँ। तो चोकिंग हम क्यों करते हैं, चोकिंग जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी चोकिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आधी चोकिंग है, लेकिन यहाँ पे फुल चोकिंग है। चोकिंग क्यों करी जाती है दोस्तों, चोकिंग कीप द पैलेट और शॉर्ट कॉम्पैक्ट टुगेदर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रेवल आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द मजल एंड। चोकिंग रिड्यूस और प्रिवेंट द डिस्पर्शन ऑफ द पैलेट एंड एक्ट लाइक अ सिंगल बॉल, दस एग्जर्टिंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन विक्टिम। चोकिंग कॉज मोमेंटरीली ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैलेट, रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर बिहाइंड द पैलेट एंड प्रोपेल पैलेट विद ग्रेटर फोर्स। चोकिंग मेक वेपन मोर लीथल। तो दोस्तों ये सारी उसके हो गए फीचर्स कि हम चोकिंग क्यों करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सीडेंटल इंजरी, सुसाइडल इंजरी और होमिसाइडल इंजरी के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या क्या हैं। तो साइट ऑफ इंजरी की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल इंजरी के अंदर कोई भी पार्ट हो सकता है, सुसाइडल के अंदर हेड एंड चेस्ट होते हैं, होमिसाइडल के अंदर कोई भी पार्ट हो सकता है। रेंज की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल के अंदर क्लोज रेंज होगा, सुसाइडल के अंदर कॉम्पैक्ट और क्लोज, होमिसाइडल के अंदर कोई भी रेंज हो सकता है। ड्यूरेशन की अगर दोस्तों बात करें तो कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, डायरेक्शन की बात करें दोस्तों कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, सुसाइडल इंजरी की बात करें तो दोस्तों अपवर्ड और बैकवर्ड, होमिसाइडल इंजरी की बात करें तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। नंबर ऑफ वुंड की बात करें तो एक्सीडेंट के अंदर एक ही होगा, सुसाइडल के अंदर भी ज़्यादातर एक ही होता है, लेकिन होमिसाइडल के अंदर एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। फायरआर्म रेसिड्यू ऑन हैंड, इसकी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट रहेगा एक्सीडेंटल के अंदर, सुसाइडल की अगर दोस्तों बात करें तो इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन होमिसाइडल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। वेपन एट द सीन प्रेजेंट हो सकता है एक्सीडेंटल के अंदर, सुसाइडल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन होमिसाइडल के अंदर एब्सेंट होगा या फिर प्लान करके भी रखा जा सकता है। मोटिव कैसा रहेगा दोस्तों, एक्सीडेंटल के अंदर एब्सेंट कोई भी मोटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल वरी, डिप्रेशन, इमोशनल टेंशन उन सब की वजह से, और यहाँ पे दुश्मनी या रॉबरी उन सब की वजह से होती है। सुसाइडल नोट की अगर बात करें तो एक्सीडेंटल के अंदर एब्सेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है, लेकिन होमिसाइड के अंदर नहीं रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, कंप्रेस एयर इज यूज टू फायर लेट स्लज इन। तो दोस्तों कंप्रेस एयर किसके अंदर यूज किया जाता है, तो ऑटोमेटिक पिस्टॉल नहीं, रिवॉल्वर नहीं, एयर राइफल के अंदर दोस्तों ये यूज किया जाता है, शॉर्ट गन नहीं। तो सी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये रही एक एयर पिस्तौल, तो जो कार्ट्रेज होती है दोस्तों ये रही इसकी कार्ट्रेज। तो एयर राइफल या फिर एयर पिस्तौल रिलीज शॉट और पैलेट विच आर प्रोपेल्ड बाय द कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस। सम वेपन यूज कार्ट्रेज ऑफ द लिक्विड CO2 एज द प्रोपेलेंट। तो दोस्तों इसके अंदर लिक्विड CO2 भरी होगी। देयर इफेक्टिव किलिंग रेंज जो है लगभग 30 यार्ड के लिए होती है, और ये दोस्तों चूहे और गिलहरी उन सबको मारने के लिए काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द बुलेट इज डिटरमाइंड बाई। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी जो होती है दोस्तों वो हाफ mv² होती है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी दोस्तों उतनी ही घातक वो हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द बुलेट इज डिटरमाइंड बाई, तो ये दोस्तों हो जाती वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो वेट ऑफ द बुलेट नहीं, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता ही है, शेप ऑफ द बुलेट नहीं, साइज ऑफ द बुलेट नहीं। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बारी मैं ये बता देता हूँ कि प्राइमर के कंटेंट क्या होते हैं, ब्लैक पाउडर का कंटेंट क्या होता है और परकशन कैप के कंटेंट क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं प्राइमर,
प्राइमर के लिए मैंने बताया था ब्लास्ट, BLAST, बी से हो गया दोस्तों बेरियम, एल से दोस्तों हो गया लेड, ए से दोस्तों हो गया एंटीमनी सल्फाइड, टी से दोस्तों हो गया टेट्राजिन। दोस्तों परकशन कैप के अंदर क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक। परकशन कैप के अंदर दोस्तों क्या होता है, कॉपर एंड जिंक इसके अंदर होता है। और दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको जो ब्लैक गन पाउडर के बारे में बताया था, ब्लैक गन पाउडर के लिए जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने दोस्तों PCS। तो पी से दोस्तों हो गया पोटेशियम नाइट्रेट जो कि लगभग 75% कंपोजिशन पाया जाता है। सी से हो गया दोस्तों चारकोल, दोस्तों लगभग ये 15% के आसपास पाया जाता है। और दोस्तों एस से हो गया सल्फर, ये दोस्तों लगभग 10% के आसपास पाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग टेक टाइम। तो दोस्तों जो इस साल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हार मत मानिएगा, अच्छी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों कभी भी हार मत मानिएगा और उसके प्रति मेहनत करते रहिएगा। और जाने से पहले दोस्तों हमारे जो चैनल लेट्स ट्रैक नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों भूलेगा नहीं वीडियोस को लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सिंस दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन था, इसके अंदर तो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अगर दोस्तों तब भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप ऐप के अंदर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस मैं ऐप के अंदर लेता हूँ। दोस्तों जाने से पहले मैं जो कोड है वो है LIVEDRM, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसके जनरली चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके चार्जेस होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों अगर आप इसके ना 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दो तो वो होते हैं 4,500। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन दोस्तों आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये, काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, कि जनरली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, फोर्थ ईयर MBBS के अगर हों तो उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। और बाकी जो इंटर्नशिप में कर रहे हैं और नीट पीजी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता दो दोस्तों कि जैसे अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो 7 महीने बाद एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों तब तक हो सकता है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या आपका जो ड्रीम सब्जेक्ट है या आपको जो सब्जेक्ट मिल सकता है, ब्रांच मिल सकती है, उससे आप चीज़ें लैग करने लग जाओ। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आप क्या कर सकोगे कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर अप टू डेट रह सकोगे, आप उसकी अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप अपने माइंड में एकदम अच्छे से गैदर करके रख पाएंगे। तो जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास पूरी अप टू डेट नॉलेज होगी। तो दोस्तों पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सेफ रहें। तो दोस्तों ऐसे में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस की सुविधा भी मिल रही है, आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने, प्लस कंप्लीट कवरेज मिलता है आपको, काफ़ी सारी बेनिफिट्स दोस्तों इन सब के मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।